45 दिन तक रहने वाला है, ये हमें बताया डॉक्टर वाई राखी जी। अब हम डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से जानेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, उसके बाद तमाम चीजें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले पौराणिक कथाएं पंडित जी। देखिए अस्मिता, एक्चुअली जो ग्रहण होता है, ग्रहण के बारे में कहते हैं कि ग्रहण, तो इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सुर और असुर, देव और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला था, उस रत्नों में एक अमृत रत्न निकला था। तो अमृत जब रत्न निकला था तो उसमें एक असुर था जो चोरी से इसने अमृत पान कर लिया था। तो उस राक्षस को भगवान विष्णु को बताया कि इसने अमृत पान कर लिया है। तो अमृत पान कर उसे विष्णु भगवान ने मोहिनी के रूप में चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। एक राहु हुआ और एक केतु हुआ, तब से प्रकृति में आज तक ये घटना घटती चली आ रही है। तब से ये राहु केतु को लेकर के ग्रहण लगता है, नंबर एक। नंबर दो, ग्रहण को लेकर के हम आपको दो तीन चीजें बताएंगे कि देखिए जो ग्रहण है ये पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा, लेकिन चूंकि ग्रहण जब पूर्ण होता है तो उसका असर पड़ता है। अभी हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने, प्रकाश जी ने, राखी जी ने बताया कि उपछाया है। उपछाया का मतलब होता है किसी भी चीज को त्वरित थोड़े देर के लिए, तो थोड़े देर, चूंकि चंद्रमा कहते कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है तो मन को प्रभावित करता है। तो चंद्रमा जब मन को प्रभावित करेगा तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होगी, जल जीवन, जलवायु, प्रकृति। इन्होंने कहा कि स्त्री का, मन का, माँ का ये कारक ग्रह है, तो जब ये मन पर प्रभाव डालेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जलीय दुर्घटना है, समुद्री दुर्घटना है, प्राकृतिक भूकंप है, मन में उथल पुथल है, रिश्तों में कड़वाहट है, तो बहुत सारी चीजें होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल को लेकर के व्यक्ति सोचता है कि ग्रहण है, तो आपको दो तीन चीजें और बताएंगे कि इसमें ग्रहण को लेकर के पूरे अपने भारत में किसी भी पंचांग में वर्णित नहीं है कि दृश्य है, उपछाया है। उपछाया का ना पातक पड़ता है ना सूतक पड़ता है, तो कोई इसका दोष नहीं पड़ेगा। तो जिसको जो पूजा करना करे, जिसको जो करना करे, ग्रहण काल में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब तक ग्रहण काल है, कम से कम 4 घंटा 15 मिनट का है, उस पीरियड में व्यक्ति मंत्रों का जाप करे, अपने मन पर नियंत्रण करे। बिल्कुल, इस ग्रहण काल को सदुपयोग करने की जरूरत है, बहुत ही